अनलॉक तीन के तहत आज से उत्तराखंड भर में जिम और योग सेंटर खोल दिए गए हैं। इसके लिए इन्हें तय शर्तों का पालन करना आवश्यक किया गया है। केंद्र की गाइडलाइन के तहत प्रदेश शासन ने बीते रोज इससे संबंधित SOP जारी की। SOP में बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए बॉर्डर पर तय अधिकतम 1500 की सीमा बढ़ा दी गई है। अब प्रतिदिन 2000 लोग उत्तराखंड आ सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले की तरह रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सबसे पहले इनका टेम्परेचर चेक लिया जा रहा है और कोई भी इनकी जो बिलोंगिंग्स हैं उनको जिम के अंदर एंट्री नहीं है। पानी वगैरह के सारे कंटेनर्स ये लोग खुद लेके आ रहे हैं। सेकेंडरी कस्टमर्स के खुद की सेफ्टी के लिए दे आर कीपिंग देयर ओन सैनिटाइजर्स और हम लोगों के पास हर सेशन के बाद 10 मिनट का बफर ब्रेक है जिसके अंदर पूरा जिम सैनिटाइज हो रहा है। सैनिटाइजेशन के दो ऑप्शन हैं हमारे पास, एक तो सैनिटाइजर के साथ, बाकी हमारा हाइपोक्लोराइड आता है जिसके साथ पोंछे लग रहे हैं। इसके अंदर प्रोसेस के अंदर कोई भी कस्टमर बिना अपॉइंटमेंट के हमारे जिम के अंदर नहीं आएगा और वर्कआउट के लिए कोई भी ट्रेनर किसी को टच नहीं कर रहा। इस बीच राज्य में बीते मंगलवार शाम तक कोरोना संक्रमण के 208 नए मामले सामने आए। एम्स ऋषिकेश में एक कोरोना संक्रमित 29 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई है। सहारनपुर निवासी इस युवक को पेट संबंधी दिक्कतों के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। वहीं आज देहरादून नगर निगम में एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जरूरी एहतियाती कदम उठाए गए हैं।